दो बार आया हूँ, एक बार मार रखो ये था, तीसरी बार दो बार मैं खुद आ जाऊँ रखो, तो मतलब के 4 तारीख को ईयर में 4 तारीख को रात रुकाए हो गई पास किया रोड है मिला से भाई 15 तारीख को हमारे को बताया कि तेरे लड़के का आधार कार्ड नंबर पाकिस्तान चला गया, वो तो लड़का पाकिस्तान चला गया, रात पूरी थी ये से ट्रेन 4 बजे हमारे को थोड़ा टाइम मिला, तो बच्चे थे वो भी को कहाँ गिरे को कहाँ गिरे, फिर सुबह मैं गया आनंद जाके एकदम रिपोर्ट दी 17 तारीख को थाना किया, उसके बाद हमारा ये से पीछा छोड़ा, उसके बाद कलेक्टर के पास भी आए, एसपी साहब के पास भी आए, सीओ साहब के पास भी गए, अभी तक ये डीडी वाला ये सब आया, इसके बाद ये हम पहले तो कोई कुछ नहीं करा, अभी मोदी जी ने यह करा कर पता चोरी करे मेरे देना कि हमारा लड़का पाकिस्तान की ओर ठोके कई टा की करे अपन पीछा है ठोके तो जरूर हो से की हालत हो से हुए कई टा की हो से हमारी ये हालत हो रही है दूसरे की हालत हो रही है जिला बने गए माइतरा में ना कोई सुनता सही गरीब में हालत खराब है खूब गरीब में हालत खराब है सुनी बच्चे बुलाए नहीं होता ठीक करीब टाइम आ बेड महीने पहले टावराम जी ने मुझे फ़ोन किया कि एक हमारे रिश्तेदारों का लड़का रात को घर से गायब हो गया है, तो इसकी हमारे को कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में कलेक्टर साहब एसपी साहब और पुलिस थाने जाकर के वहाँ एप्लीकेशन मिली और कार्रवाई करने की हम लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन कुल मिला के प्रारंभ में जो यह घटना की शुरुआत होती है 4 नवंबर 2020 को लड़का रात को नींद में दिशा भटक करके तारबंदी पार कर गया, दूसरे दिन गांव वालों से इधर उधर पूछताछ की पता नहीं चला, 10 दिन बाद बीएसएफ के अधिकारी जब इनके घर आए तो जमाराम जी को पूछा भाई आपका लड़का किधर है कैमरा राम, तो उन्होंने कहा हमें पता नहीं, तो बीएसएफ के अधिकारियों ने कहा कि हमारी और पाक रेंजर्स की जो इनकी वार्ता होती है आपस में उस फ्लैग मीटिंग के दौरान वो लड़का आज पाकिस्तान में है ये बात निश्चित हो गई, उसके बाद में इन्होंने बिजरार थाना में जाकर के प्राथमिकी दर्ज कराई, तब से लगाकर अब वो निरंतर पैरवी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी दशरथ जी मेघवाल जो हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं उनकी और टावाराम जी की हमारे इन जो रामाराम जी वगैरह इन परिवार से बातचीत हुई, इन्होंने कहा आप हमारे घर मिलने आइए, आज जब हमारे हम सब मिलकर के वहाँ उनके घर गए तो पूरा परिवार मिला के न भोजन पानी कर रहा है न ठीक से नींद ले रहा है, पूरा परिवार दुखी है, पाकिस्तान में दिनतर हिंदुस्तान से गए हुए लोगों के साथ जो मानवीय यात्राओं की जो परंपरा है उसके प्रति बहुत इनको पीड़ा हो रही है कि हमारा बच्चा किस हालात में है, तो हम सब लोगों ने ही तय किया कि कलेक्टर साहब के माध्यम से पीयूओ में विदेश मंत्रालय में गृह मंत्रालय में और मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम ज्ञापन देकर के ये गैमराराम तुरंत भारत कैसे आए यह कार्रवाई जल्द से जल्द हमारे को लोकतांत्रिक जी से हमने दशरथ जी ने सुबह ही बात की, उन्होंने कहा मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूं, दिल्ली जाते ही पीएमओ में गृह मंत्रालय में विदेश मंत्रालय में जाकर के तुरंत इस कार्रवाई को मैं गति दूंगा और गैमराराम को कैसे भी करके वैधानिक कार्यवाही हम हिंदुस्तान ले आए।